हाय व्यूअर्स, कैसे हो? आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बंदा पेंटिकल्स पे फुल काम कर रहा है, आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है और आपके साथ शादी की इच्छा है। बहुत सुंदर एनर्जी आई है गाइस, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। बट बंदे के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, शादी की इच्छा है, सब है, लेकिन उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कप्स हैं। विश फुलफिल करनी है तो इन कप्स को, इन ऑप्शंस को छोड़ने के लिए बंदा सोच रहा है, आपकी तरफ आने के लिए सोच रहा है। और वो सोच रहा है कि जब तक वो इन ऑप्शन से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक आप उनको अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उनको अपनी लाइफ में नहीं ले पाओगे। फुल की एनर्जी में आकर के किसी के बिना परवाह किए वो आपकी तरफ दौड़ भाग के आना चाहता है, पर थोड़ी सी बर्डन में है, थोड़ी सी कुछ सिचुएशन ऐसी है जो उसके ख़िलाफ़ है। वो स्टैंड लेना चाहता है आपके लिए, लोगों के सामने आपके लिए लड़ना चाहता है, झगड़ना चाहता है। चैरियट बन के वो आपकी तरफ आना चाहता है। झगड़े की एनर्जी है, मैनिपुलेशन निश्चित ही। लोग आसपास, जो आप दोनों के आसपास हैं, अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस पे हो या कहीं भी आसपास हो, या फिर कुछ कनेक्शंस हैं आप लोगों में, तो जो कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं, तो वो लोग आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल उन पर ब्लैक एनर्जीज़ का भी प्रयोग हो रहा है, मैनिपुलेट कर रहे थर्ड पार्टी निश्चित ही। अगर थर्ड पार्टी, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो थर्ड पार्टी है ही, वो भी उनको मैनिपुलेट कर रही है। और निश्चित ही अगर हो सकता है कि निकने के पार्टनर आपके पास आए, तो आपकी शुरुआत झगड़े से हो, कपले करके स्लोली स्लोली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऑफर देना चाहते हैं आपको। कुछ लोगों के लाइफ में न्यू पर्सन भी आ सकते हैं उनके सोलमेट के रूप में, और कुछ लोगों के लाइफ में ओल्ड एक्स की एनर्जी है जो आ सकते हैं। बंदा कुछ डेथ करेगा, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी लाइफ, या कोई इस ऐसे व्यक्ति को जहाँ से वो निकल नहीं पा रहा था, उनके ऊपर स्पेल वर्क करके उनको बांधा गया था, तो वैसी स्थितियों को, ऐसी लाइफ को डेथ करेंगे, डेथ करके आपकी ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल वैसे सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि वहाँ झगड़े चल रहे हैं, डिवाइन का जजमेंट होने वाला है। अगर कोई ऐसी काली क्रिया करने वाली, अगर कोई लेडी है, मुझे जैसी वाइफ आ रही है, सांवली, दुबली पतली सांवली, या फिर यूँ कहें कि ज़्यादा दुबली नहीं, नॉर्मल सांवली लेडी है, जिसने आपके पार्टनर को बांध रखा है अपने स्पेल वर्क से, अपनी बुरी क्रियाओं से बांध रखा है, तो डिवाइन का जजमेंट होने वाला है। बिल्कुल जजमेंट होगा, आपके एंसेस्टर्स एंजल्स भी आपके साथ हैं, ये सभी लोग आपके लिए जजमेंट करने के लिए तैयार हैं। बिगुल बजा चुके हैं वो लोग। आपका बंदा हैंगमैन पोजीशन में है फिलहाल, तो वो इन स्थितियों में इतना फंस गया है, वो बंध गया है कि निकल नहीं पा रहा है, बावजूद इसके वो आपके लिए ये करना चाहता है, फूल की एनर्जी में आना चाहता है और आपके लिए न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपको फैमिली में इंक्लूड करना चाहता है, फैमिली वालों से मिलवाना चाहता है आपको। इन्हीं सब को सोच सोच के वो रातों को सोता नहीं, उसे रातों को नींद नहीं आती है बंदे को, वो रोता रहता है आपके लिए, रोता है बिल्कुल, बट वो ये शो नहीं करता। अगर आपके सामने वो पड़ जाए, कभी वो दिख जाए, तो वो आपको शो नहीं करता, वो आपको ये दिखाता है कि बहुत स्ट्रांग पर्सन है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। वो आपके लिए न्यू बिगनिंग के लिए बिल्कुल तैयार है, बट कि कुछ सिचुएशंस की वजह से वो चाहते हुए भी नहीं आना चाहता है, संडे करके आना चाहता है, फैमिली बच्चे बिल्कुल चाहता है आपके लिए, या कुछ सिचुएशन में कुछ ऐसे लोग फंसे हो सकते हैं जहाँ झूठ, उन्हें झूठ कहा गया होगा कि ये बच्चा आपका है, बट वो बच्चा उनका है नहीं, उस सिचुएशन में वो फंसाया गया है, तो शायद वो उसी सिचुएशन से निकल के आपकी तरफ आएंगे और न्यू बिगनिंग करेंगे। बहुत सारे लोगों के पर्सन उनसे एज भी छोटे होंगे। जगलिंग की एनर्जी में है, दो सिचुएशन, दो थॉट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। निश्चित ही अगर किसी को स्पेल वर्क से बांध दिया जाता है ना, कुछ कर दिया जाता है, तो सामने वाला व्यक्ति कुछ सोच समझ नहीं सकता है,
उसके आंखों पे पट्टी बन जाती है, वो सोचने समझने की कंडीशन में नहीं होता है। इसी कंडीशन में भी आपका पर्सन है, वो आपसे पास्ट में जो उसने किया आपके साथ गोस्टिंग की और वो चला गया, तो जिसके वजह से वो आज बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा न्यू बिगनिंग की। आप लोग एक सेम वर्क प्लेस पर हो सकते हो, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे जो हैं सेम वर्क प्लेस पर हो सकते हो, या फिर आपके दोस्त आप लोगों के म्यूचुअल हो सकते हैं और फ्रेंड, उन लोगों ने भी आग काफ़ी लगाई है आपके इसमें, और बहुत सारे लोगों के पर्सन क्या कर रहे हैं ना, फ्रेंड्स के साथ प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, फ्रेंड से बातें हो रही हैं, प्लानिंग चल रही है, वो आपकी तरफ आने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, बट वो सारी बातें नहीं बताएंगे। जब भी आएंगे ना थोड़े स्लो होंगे, जब भी आएंगे सारी बातें नहीं बताएंगे, काफ़ी कुछ छुपा जाएंगे आपसे जो आपको पसंद नहीं आती है, बट जस्टिस देंगे वो। जस्टिस की एनर्जी है, डिवाइन का जजमेंट भी, जजमेंट कार्ड भी आया था और जस्टिस कार्ड भी आया, वो कब लेकर के आ रहा है बंदा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपके आपके लिए, छुपा रहा है अपनी बातें, वो बता नहीं पा रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं पाएगा गाइस, बिल्कुल नहीं छुपा पाएगा, क्योंकि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल छुपा नहीं पाएगा, क्योंकि पास्ट की बातें उसे जीने नहीं दे रही हैं। पास्ट की बातों में वो खोया हुआ है, बहुत याद कर रहा है आपको, बहुत ज़्यादा खोया हुआ पास्ट की बातों, इमोशंस एकदम ऊपर से नीचे छलक छलक के आ रहे हैं, मतलब इतना बंदा रो रहा है ना आपके लिए, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है, काफ़ी रो रहा है। वजह आप भी समझ सकते हो, अगर वो उधर रोएगा ना, आप इधर तकलीफ़ में रहते हो, आपको भी हंसने की इच्छा नहीं करेगी, आप भी शांत शांत फील करोगे, तो आप खुद की एनर्जी से समझ सकते हो कि आपका बंदा अभी किस सिचुएशन में है, कहीं से मुक्त होने की एनर्जी है, वो निकलना चाहता है कहीं से, बिल्कुल निकलेगा वो, कहीं से निकल के आपकी तरफ आएगा। हर्मिट मोड में है बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है ना, हर्मिट मोड में स्पिरिचुअल हो चुके हैं, उनकी पर्जिंग चल रही है गाइस, बहुत ज़्यादा पर्जिंग चल रही है, डिवाइन मैस्कुलिन के भी पर्जिंग चल रही है, बहुत चक्रास पे काम चल रहा है आपके भी, और डिवाइन मैस्कुलिन के भी चक्रास पे काम चल रहा है, इसलिए कह रही हूँ इनर वर्क करो, इनर वर्क करोगे ना, इधर आप अपनी हीलिंग करोगे तो उधर उनकी भी हीलिंग होगी, क्योंकि स्पेल वर्क ऑलरेडी हर फुल मून और न्यू मून पे आपके ऊपर किया जाता है, ये आप महसूस करते होगे हर फुल मून न्यू मून पे, और इससे आपको बंदा को निकालना है, अगर उससे निकालना है तो आपको भी कुछ ना कुछ करना होगा, इनर वर्क करोगे तभी होगा, बिल्कुल होगा, तो इनर वर्क करो, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके ऊपर पूरी तरह से नज़र बना के रखती है, कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है और किसने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया, बावजूद इससे आप उसके साथ चलते रहते हो। कुछ लोग तो ऐसे भी कंडीशन में कि थर्ड पार्टी आपके साथ में है, रहते हो खाते हो साथ में, आप जानते हो बावजूद इसके उनके साथ चले चलते हो, तो सही बात है, क्योंकि अगर सेम वर्क प्लेस पर हो तो ये तो निभाना ही पड़ेगा, लेकिन उनसे सतर्क रहो, बस मैं यही कहूँगी। देखते हैं पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या मैसेजेस देते हैं वो आपको। यू आर माई लास्ट लव, ओ माई गॉड, फर्स्ट में ही यू आर माई लास्ट लव, उन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया है, यू आप उनके लास्ट लव हो, उस आपके बाद कोई नहीं आएगा उनकी लाइफ में, फॉरगिव मी प्लीज़, फॉरगिवनेस चाहते हैं। सैड एनर्जी है, काफ़ी सैड है, क्योंकि वो सैड है इसलिए शायद आप भी सैड हो जाते हो, तुम सिर्फ मेरी हो, अगर उन्हें लगता है कि आप कहीं और जा रहे हो तो उन्होंने कहा है आप सिर्फ उनके हो, और वो पूरे मोहल्ले के, पूरे शहर के, हर जगह के हैं, आई नीड टाइम फॉर मी, वो अपने लिए कुछ टाइम चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो रायते फैलाए ना उन्हें समेटने के लिए उन्हें टाइम चाहिए। मैं आ रहा हूँ, बहुत लोग के पार्टनर आ रहे हैं, मेडिटेशन तो आपको एंजल्स एंसेस्टर्स कह रहे हैं मेडिटेशन करो, आई वॉन्ट टू बी विद यू, वो आपके साथ रहने की इच्छा रखते हैं, आना चाहते हैं, आई नो यू आर द वन फॉर मी, यू आप ही उनके लिए हो, उन्हें पता चल गई है बात, आई मिस यू एवरी टाइम, मिस करते हैं आपको,
अभी जस्ट रिसेंटली आपके और आपके पार्टनर के थ्रोट चक्रा पे कुछ स्पेल वर्क किया गया है, थ्रोट चक्रा आया है, स्पेल वर्क किया गया है। उससे बाहर निकलने के लिए अपने लिए, अगर आप रेकी हीलर हो या रेकी जानते हो या फिर कुछ भी ऐसी प्रार्थना या कुछ भी आपके अगर धर्म में जो भी होता हो उसको आप बार बार चैन करो। माई लाइफ इज़ नथिंग विदाउट यू, ठीक है, आई कॉन्ट टेक दिस डिस्टेंस एनीमोर। उन्हें अब ये डिस्टेंस मार रही है, डू यू थिंक अबाउट मी टू, मतलब आप उनके लिए वैसे ही सोचते हो जो आप वो सोचते हैं। यू आर द माई लास्ट लव अगेन अगेन कन्फर्मेशन, आप उनके लास्ट लव हो। आई लव यू ओके, कॉल मी, कॉल करने को बोल रहे हैं ओके, एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ अगेन। बेस्ट फ्रेंड, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो सकते हो, ओके, सॉरी कह रहे हैं गाइज लास्ट में, सॉरी, थैंक यू, मैं इतना ही ले रही हूँ। अब आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज़, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज के लिए कम से कम लाइक तो करो।